दोस्तों ये देखिए, मैं आपको आज ये स्टैंप्स की जानकारी देना चाहूंगा। अलग अलग तरह की यहाँ पर ये स्टैंप्स रखी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये डेकोरेटिव स्टैंप्स हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर ये रबड़ की जो सतह है इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है और उस डिजाइन का सैंपल इसके ऊपर भी दिया गया है। मतलब जैसा इसके ऊपर बनाया गया वैसा ही नीचे से इससे डिजाइन हम कागज पर छाप सकते हैं। ये अलग अलग डिजाइन्स में अवेलेबल है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग डिजाइन्स में है। और ये भी बिल्कुल ऐसी ही स्टैंप है, पर इसमें नीचे वाला जो सॉल्वेंट रबड़ है वो अलग इस्तेमाल किया गया है और इसका डिजाइन भी इनसे अलग है। ऊपर ये प्लास्टिक से बना हुआ है जबकि इनमें ये हिस्सा जो लकड़ी का था, ये देखिए ये भी एक डेकोरेटिव स्टैंप है जो कि हमारी स्क्रैप बुक में या ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग में कई तरह के पर्पस में ये काम आती है। ये देखिए ये सील स्टैंप है, वैक्स सील स्टैंप्स। ये जे लेटर स्टैंप है, बिकॉज माय नेम इज जितेंद्र, जे लेटर स्टैंप। ये पूरी तरह से पीतल धातु से बनी है, ब्रास से मेड है और वैक्स स्टिक को पिघलाकर उसके साथ इसे यूज किया जाता है, वैक्स स्टैंप। ये देखिए ये अदर सिंपल स्टैंप्स हैं, कुछ साधारण स्टैंप अलग अलग बनावट में, ये देख सकते हैं मिनी स्टैंप है। और ये है ये पेन ड्राइव शेप में स्टैंप है, ये फोल्डेबल है, फोल्ड हो जाती है और देख सकते हैं आप इसे आगे करके और इसका ये हिस्सा यूं खुल जाता है। स्टैंप पैड भी है इसमें और स्टैंप भी है और इस तरह से स्टैंप जो है वो सूखती भी नहीं है, इंक भी उसके ऊपर हमेशा अवेलेबल रहती है और इसे हम इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव शेप में है स्टैंप। ये नॉर्मल स्टैंप से थोड़ी मीडियम साइज की बड़ी स्टैंप है, आप देख सकते हैं ये स्टैंप। और ये देखिए दोस्तों ये नंबरिंग स्टैंप है, इसमें हम कोई भी सीरियल नंबर वगैरह इसमें एडजस्ट करके और हम उसे प्रिंट कर सकते हैं स्टैंप पैड के साथ। ये देख सकते हैं आप इसका साइज और इसका आकार। और दोस्तों ये दोनों ही डेट की स्टैंप्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं नीचे डेट, मंथ और ईयर ये दिया गया है नीचे। हालांकि दोनों अलग अलग कंपनी की और अलग अलग डिजाइनिंग में है। नीचे से जो इनका सरफेस है, वर्किंग एरिया तो सेम है लेकिन साइड में ये जो नॉन वर्किंग एरिया है ये इसका रेक्टेंगल में है और इसका स्क्वायर में है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। ये डेट स्टैंप्स हैं। स्टैंप चाहे अल्फाबेटिकल हो या डिजाइनर हो, हमें इस्तेमाल तो उसका स्टैंप पैड के साथ ही करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि स्टैंप पैड जो होता है वो सिर्फ अल्फाबेटिकल स्टैंप्स या किसी नेम या इंस्टीट्यूट की स्टैंप्स के लिए ही इनका इस्तेमाल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास डिजाइनर स्टैंप्स हैं जिनमें कि फ्लावर्स एंड लीव्स वगैरह होते हैं, बढ़िया बढ़िया डिजाइन जो होते हैं डिजाइनर स्टैंप्स में, तो हम स्टैंप पैड का इस्तेमाल करके और डिजाइनर स्टैंप के जरिए हम अपने ग्रीटिंग कार्ड को डेकोरेट कर सकते हैं या आर्ट वर्क को डेकोरेट कर सकते हैं। तो स्टैंप के लिए हमें स्टैंप पैड की जरूरत पड़ती है और क्राफ्ट में डिजाइनर स्टैंप्स के जरिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये देखिए दो तरह के स्टैंप पैड यहाँ पर हैं। एक ये जो स्टैंप पैड आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में है और इसमें ये देखिए ये एक स्पंज है, स्पंज के अंदर इंक डाली गई है। एक तो बेसिकली इस तरह के स्टैंप पैड होते हैं और एक बेसिकली ये इस तरह के स्टैंप पैड होते हैं। ये देखिए जिस तरह ये ब्लैक में है, ये देखिए ये कपड़ा है और कपड़े में ये इंक डाली गई है और नीचे इसके लकड़ी का टुकड़ा होता है और ये रेड में, ये देखिए। तो इस तरह से ये बेसिकली दो टाइप की होती है जिनमें एक में स्पंज होता है और एक में कपड़ा होता है, दोनों में ही इंक डाली जाती है और फिर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार में रखे हुए हैं, जैसा कि आप ये देखिए ये चारों ही सेम साइज में है, ये ग्रीन में, ये ब्लैक, ये रेड और ये ब्लू, और ये वायलेट में है ये देखिए,
और ये बड़े साइज में है स्टैंप पैड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो आकार है वो औरों से बड़ा है, और ये मैंने आपको भी बताया ही था। तो दोस्तों स्टैंप पैड का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल स्टैंप्स के लिए ही हो, डिजाइनर स्टैंप्स के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये एक मिनी साइज में मल्टी कलर स्टैंप पैड है, इसमें अलग अलग तरह के स्पंज फिट किए गए हैं अलग अलग इंक के साथ, और इस तरह के कलर्ड स्टैंप पैड जो हैं वो ज्यादातर स्क्रैप बुकिंग में काम आते हैं या ग्रीटिंग कार्ड को डेकोरेट करने में काम आते हैं। दोस्तों जो मल्टी कलर स्टैंप पैड होता है ये अलग अलग कलर्स में अलग अलग भी अवेलेबल होता है, और कंबाइन शेप में भी जिस तरह से आप ये देख रहे हैं मिनी शेप में है और थोड़ा सा इससे लार्ज शेप में भी कलर्ड स्टैंप पैड अवेलेबल होते हैं।